दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 8:50, 51 मिनट हो गई। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो नमस्ते, कैम छो, स्वागत है आपका धर्मेश पी व्लॉग में। सो अभी थोड़ी बहुत बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, जॉब से आया तब नहीं थी इतनी, लेकिन आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखिए मक्की के पत्तों में आवाज आ रही होगी, उससे फील करना। तो कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है, अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है। देखिए वैसे तो इसमें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन मक्की के पत्तों में आवाज से आपको पता चल सकता है। देखिए सो आज तो ऐसा कुछ दिखाने जैसा होगा नहीं, बारिश हो रही है कंटिन्यू, आगे कुछ ऐसा दिखाने जैसा होगा तो मिलते रहेंगे। सो अभी पपीता खा रहे थे, बारिश का मजा ले रहे और पपीता खा रहे। देखिए मेरे पापा खटिया पे बैठे हैं और मेरी मम्मी और सिस्टर यहाँ पर नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं, और पानी है इसलिए अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। सो चलो ये खा लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। सो आज बारिश आ रही है इसलिए बाहर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए फिर से अभी खाने का कुछ बना रहे हैं। स्वीट कॉर्न है ये, देखिए मक्की के भुट्टे जो बोलो। सो इसको अभी सेकने वाले है तवे पे, सॉरी सीधा गैस पे। सो चलो गैस को करते हैं स्टार्ट। देखिए पकने लगे है। तो देखिए दोनों तैयार है, बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं, और ये ऊपर ऊपर से तो काले पड़ जाते हैं क्योंकि सीधी धूप इसमें आती है इसलिए। तो चलो अभी गैस को ऑफ कर देते हैं, बातों बातों में बहुत गैस यूज हो जाएगा। सो ये देखिए रेडी हो चुका है। सो ये मेरे, ये वाला मेरी सिस्टर के लिए, ये लो, और ये मेरे लिए। सो चलो अभी इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा बहुत, और फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड करके चबा जाते हैं। सो मसाले वगैरह तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं लगी इसलिए चलो ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। एक नंबर, बहुत ही अच्छा। सो चलो अभी ये खा लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। सो अभी खा लिया है, अभी ये बचा हुआ बेल को डाल देंगे। अभी मेरी सिस्टर ने पूरा खत्म नहीं किया है, तो जल्दी खत्म करो, फिर उसके बाद दोनों डाल देता हूँ बेल को। सो ये देखिए माइक जैसा। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग।
ये माइक बन गया अभी। सो अभी मेरे सिस्टर जल्दी से खत्म करे तो जल्दी बेल को डाल देता हूँ, वरना इसका मैं क्या कुछ कर लूंगा। सो चलो ये अभी खत्म हो गया है तो चलो ये दोनों डाल देता हूँ बेल को। चप्पल पहन लेता हूँ। सो बारिश में ऐसा हाल है पशुओं का, ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। ये बफेलोस का हाल ऐसा कुछ है, फूल कीचड़ हो रखा है क्योंकि बारिश ही बहुत आ रही है। यहाँ पर भी देखिए, और आज के वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारे पास एक ही बेल क्यों होता है। मैंने दो तीन बार बताया हुआ भी है लेकिन आज स्पेशली मैं बता दूंगा अच्छे से। सो दोस्तों अभी खाना वगैरह हो गया था और फिर सो गए थे, सो अभी उठा हूँ। सो चलो मुंह वगैरह धो लेता हूँ और बाल के भी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो चलो अभी मुंह साफ करके आपको मिलता हूँ। सो मुंह धो के रेडी हो चुका हूँ। सो चलो अभी मूंगफली देखते हैं कैसी हुई है, बारिश आई उसमें कैसा हाल हुआ है मूंगफली का। सो चलो अभी मैं दिखाता हूँ। सो देखिए ये दो बार पानी दिलाई हुई मूंगफली है। सो इसमें देखिए रो आसपास पास पास वाली रो टच हो गई है। मेरे चाचा की मूंगफली दिखाई थी मैंने आगे कल के वीडियो में, सो वैसे ही हमारी मूंगफली भी देखिए हो गई है, लेकिन कहाँ से वहाँ से कुएं से लग के यहाँ तक इतनी है, और फिर ये मक्की जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ तक है। तो इसमें एक बार भी पानी नहीं दिया है, ये यहाँ से सीधी उस बगीचे, ये वाला बगीचा है हमारा, वहाँ से सीधे में सो वहाँ तक ये थोड़ा बहुत है, इसमें एक बार भी पानी नहीं दिया है। और अभी चलो मैं आपको एक बार पानी दिया था वो वाली दिखाता हूँ। सो यहाँ से पूरे हमारे खेत में एक बार पानी दिलाया हुआ था इस यहाँ तक हाथी में। सो ये ऐसी कुछ है, देखिए इसमें एक बार पानी दिया था और यहाँ से ये देखिए मक्की ख़त्म हो रही है, वहाँ से घर तक उतने में दो बार पानी दिया था और इसमें एक बार भी नहीं दिया था। सो इस तरीके से है कुछ हमारी मूंगफली। तो ये वाली में से मैंने एक उठाया है, निकाला है, तो देखिए इसमें कितने हैं। ये आपको तीन दिख रहे होंगे छोड़। सो देखिए इसमें तीन ही डुडवे दिखे हैं मुझे तो। सो ऐसी कुछ है, ये दो बार पानी दिया था और फिर बारिश भी आ गई है। सो ये वाली मूंगफली ऐसी है देखिए। सो ये सब का तो क्या ही कहना, चलो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको तसल्ली के लिए। सो ये एक बार पानी दिया था वो वाली है, उसका एक छोर निकाला है, देखिए इसमें भी क्या कुछ है। एक दो लगे हैं, ये एक थोड़ा सा है और ये थोड़ा, बाकी इसमें अभी लग रहे हैं, उसमें भी लग रहे थे, ये वाली में भी देखिए। सो अभी इस साल तो मूंगफली का कुछ कह नहीं सकते कैसी होगी, ऐसा कुछ है देखिए। सो चलो अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। सो आपको कुआ भी दिखा देता हूँ कितना पानी हुआ है। सो देखिए आगे मैंने दिखाया था वहीं का वहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं आया है पानी, देखिए। सो यहाँ का ऐसा हाल है, बाकी पानी बारिश आ रही है इसलिए बगीचे में रौनक अच्छी हो लगी है, और ये पपीते के पेड़ भी ग्रोथ करने लगे हैं।
सो ये देखिए यहाँ पर भी आ गया है इस पपीते में। सो ये निकाल लेता हूँ, चलो मैं। सो ये निकाल दिए हैं पपीते में से, ये अननोन हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर पपीते अच्छे नहीं आते हैं इसके लिए। सो ये निकाल दिया है और ये अभी रास्ते में डाल देता हूँ मैं। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, सो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। सो ये सारा सूख जाएगा, उसके बाद इसको जला देंगे और सारा कूड़ा हम यहीं पर फेंकते हैं। फिर जो सूख जाता है सो यहाँ पर जला देते हैं हम। सो चलो अभी बता देता हूँ, हमारे पास एक ही बैल क्यों रहता है, आपका इंतज़ार ख़त्म करता हूँ। सो एक बैल ये देखिए हमारा यहाँ पर है और दूसरा वाला हमारे चाचा के घर पे होता है, क्योंकि इतना खेत है नहीं हमारे पास, इसलिए एक ही बैल रखते हैं। एक बैल हमारे चाचा के पास होता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सो वहाँ से हम ले आते हैं, और हमारे चाचा को ज़रूरत पड़ती है तब ये ले जाते हैं, हमारा बैल वो ले जाते हैं। सो ऐसा कुछ है, और आज हो पाएगा तो चलो हमारे चाचा का बैल भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो देखिए ये रहा मेरे चाचा का बैल, देख लीजिए अच्छे से। सो देखिए आज दोनों बैल दिखा दिए हैं आपको। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो बाय बाय।